ट्रिप में हम लोग मंदारमनी और वहाँ का सी बीच घूमेंगे। ये है रवि और ये लोहित और हम लोग तैयार है निकलने के लिए। हम जा रहे हैं मंदारमनी जो कि यहाँ से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है हम जहाँ से चले हैं। और रास्ते में मैं एंटॉक चला रहा हूँ और लोहित अपना यामाहा FG चला रहा है। हम लोग निकले हैं अभी हुगली सेतु की तरफ पहुंचने वाले हैं। हुगली सेतु कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। रास्ता बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लोग तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास निकले हैं, तो रास्ते में उतना ट्रैफिक नहीं है जिसके कारण हम आसानी से निकल पा रहे हैं। हुगली सेतु के ऊपर से अभी हम जा रहे हैं। काफ़ी शानदार नज़ारा है। रवि वीडियो कर रहा है जो मेरे पीछे बैठा हुआ है। हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे थे बहुत दिन से लेकिन जा नहीं पा रहे थे, तो इस बार अचानक से प्लान हुआ तो सैटरडे नाइट में हम लोगों ने प्लान किया और जैसे संडे मॉर्निंग में यहाँ से निकल गए। सब पैकिंग कुछ उतना बड़ा कुछ ज़्यादा पैकिंग नहीं था, फिर भी हमने जो भी 2-3 रहने के लिए हमारा प्लान है तो उस हिसाब से हमने लिया। हमारा रिसॉर्ट वहाँ पे बुक है, गीतांजलि रिसॉर्ट एंड स्पा करके नाम है। बीच जो गवर्नमेंट का बीच है उससे बहुत ही नज़दीक है और हुगली से तो हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। अभी यहाँ से निकल के हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से मेरा जो फर्स्ट स्टॉप होगा वो होगा कोलाघाट। अभी सतरागाछी ब्रिज पे है हम लोग। कोलाघाट में रुक के हम लोग टी लेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का हमारा कोई अभी खास प्लान नहीं है क्योंकि उतना अभी नाइट जो उतना अभी दिन भी नहीं हुआ है कि ब्रेकफास्ट की ज़रूरत पड़े, तो हम सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट सीधा मंदारमनी पहुँच के ही करेंगे। अभी रास्ता वैसा ही है, उतना ट्रैफिक नहीं है, बहुत आराम से हम लोग जा रहे हैं। 60 के स्पीड में क्रूजिंग कर रहे हैं। मेरा बाइक नहीं है, मेरे पास स्कूटी है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बाकी यहाँ जो रोड है, यहाँ पे हमने टी लिया था, टी और बिस्किट लिया था रवि ने, और वही हम लोग मिल बाँट के खाए। खाने के बाद वहाँ थोड़ा बैठे, उसके बाद निकल गए। तकरीबन 5-10 मिनट लगा वहाँ पे, 5-10 मिनट के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। लोहित भैया क्या देख रहे हैं पता नहीं। हम लोग यहाँ थोड़ा देर बैठे फिर निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद रास्ता काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सुंदर रोड था। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें थोड़ा देर के लिए कुछ ट्रैफिक मिला था क्योंकि तकरीबन 7:30-8 बज रहा था, तो उस हिसाब से थोड़ा ट्रैफिक था रास्ते में। और ये एक्चुअली एक साइड रोड होने की वजह से ट्रैफिक था, लेकिन कुछ दूर आगे निकलने के बाद पूरा रोड फिर से क्लियर हो गया। हम लोग आसानी से फिर से 60-50 पे क्रूज करते हुए निकल गए। ये जो बस जा रही है, ये बस से आप बच के रहिए। हाईवे में ये लोग क्या करते हैं कि कहीं भी अगर कोई पैसेंजर हाथ दिखाए तो अचानक से वो लेफ़्ट साइड में आके आपके आगे में रुक जाएंगे। तो बस की ब्रेकिंग और स्कूटी की ब्रेकिंग तो आप समझ ही रहे, तो उस हिसाब से आप अपना हिसाब से हमेशा साइड मिरर में देखते रहिए। लॉरी का उतना झंझट नहीं है क्योंकि वो लोग अपने रास्ते चलते हैं, लेकिन बस का थोड़ा इशू होता है। बहुत ही अच्छा रोड है यहाँ पे, कोई गड्ढा कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक फ्री है, एकदम क्लियर है रोड में, एकदम इतना स्मूथली गाड़ी। और थोड़ा और ट्रैफिक फेस करने के बाद हम लोग
अपने रिसॉर्ट की तरफ आ चुके थे। वहाँ से थोड़ी 6 किलोमीटर राइडिंग करने के बाद हम लोग रिसॉर्ट में पहुँचे जो ऑलरेडी बुक था। बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट था, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, यही रिसॉर्ट है गीतांजलि रिसॉर्ट एंड स्पा। अभी ये नया पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, लेफ्ट साइड में आप देखिए बेबी स्विमिंग पूल और जेंट्स लेडीज सबके लिए स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में ड्रिंकिंग वो सब अलाउड नहीं है। हमारा G16 रूम था। पहले मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, जो इसके गेट के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको टॉयलेट का गेट है और राइट हैंड साइड में कवर्ड है। टॉयलेट बहुत ही क्लीन था, बहुत ही ज़्यादा क्लीन। पूरा फिटिंग जो था वो जैगुआर का था। एक बड़ी सी मिरर थी, शावर भी बहुत बड़ा था, कमोड भी वॉल हैंगिंग बोलते हैं, गीज़र भी अवेलेबल था। आप अपने हिसाब से टॉवल हैंगिंग और एवरीथिंग अवेलेबल था। हमारा टी के लिए उन्होंने केटली दिया था और 2 टी बैग था। बेड भी बहुत अच्छा था, बेड खूबसूरत था, ऊपर फॉल सीलिंग और वो सब, मतलब इंटीरियर के मामले में कोई भी कंजूसी नहीं की गई थी। ये एक डिलक्स रूम था, बहुत ही खूबसूरत। हम चेक इन कर चुके थे। चेक इन करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सोफ़ा, टेलीफोन आपको रिसेप्शन में कांटेक्ट करने के लिए। और आप जैसे ही वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बैल्कोनी था। बैल्कोनी से स्विमिंग पूल का व्यू था जो कि काफ़ी सुनहरा था। वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारी गाड़ी पार्क है और राइट हैंड साइड में स्विमिंग पूल था, वहाँ कुछ लोग नहा रहे थे। हम लोग भी थोड़े देर में फ्रेश होके ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम सीधा यहाँ से निकल के सीधा बीच पे गए। बीच पे जाके थोड़ा वहाँ पे टहले, पानी में इधर उधर थोड़ा घूमे, थोड़ा सैर किया, लोगों को देखा और काफ़ी अच्छा वाइब था वहाँ पे। तकरीबन अच्छा खासा मतलब पब्लिक वहाँ पे आई हुई थी और उसके यहाँ वीकेंड में सबसे ज़्यादा पब्लिक आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग लंच करने के बाद रिटर्न आए अपने रिसॉर्ट में, स्विमिंग पूल में खूब मस्ती की। स्विमिंग पूल में मस्ती करने के बाद हम लोग एक्चुअली राइड कर रहे थे इसलिए हम लोग टायर्ड हो गए थे, तो हम उस हिसाब से फिर बाहर का प्लान कुछ नहीं किए कि कहीं घूमने जाएंगे ऐसा कुछ। हम लोग स्विमिंग पूल में ही जो भी था अपना शाम निकाला, ड्रिंक और जो भी उन लोगों ने सर्व किया वहाँ पे। आपको वहाँ पे कोई ड्रिंक अलाउड नहीं है, जैसे आप कॉकटेल मॉकटेल कुछ भी है आप रेस्टोरेंट में से ऑर्डर कीजिएगा, वो आपको आके वहाँ पे दे जाएंगे। आप वहाँ से फिर स्विमिंग पूल में जाइए, लेकिन आप वो ड्रिंक लेके वहाँ पे नहीं जा सकते। सॉफ्ट ड्रिंक हो या कोई भी ड्रिंक हो, कोई भी फूड वहाँ पे अलाउड नहीं है, ड्यू टू जो भी उनका क्लीननेस आप कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन प्रॉपर्टी थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा स्विमिंग पूल का व्यू है। रिसॉर्ट भी काफ़ी खूबसूरत था देखने में, रिसॉर्ट का व्यू भी बहुत अच्छा था। किसी भी मामले में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई थी, बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर और एड्रेस दे दूंगा, अगर आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो बिल्कुल बुक कीजिएगा। थैंक यू।